हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग भी बहुत ही खास होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं हावड़ा से आसनसोल तक जा रहा हूँ कोल्ड फील्ड एक्सप्रेस से, तो वही ट्रेन जर्नी आप लोग को आज देखने को मिलेगा। तो अभी तो मैं अपने रूम पे हूँ, तो मैं अब आपको सीधा स्टेशन जाके मिलता हूँ। ये मैं लोकल ट्रेन पर बैठ चुका हूँ हावड़ा जाने के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे पिछले ट्रेन ब्लॉग में दिखाया है। तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाके देखें। इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि लिलुआ से हावड़ा कैसे जाते हैं लोकल ट्रेन से, तो मैंने ये ऑलरेडी कवर कर लिया था, इसीलिए नहीं दिखाया। तो चलिए अब सीधा हावड़ा जाके मिलते हैं। ये मैं हावड़ा स्टेशन पहुँच गया, तो चलिए अब ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद दूसरे ट्रेन यानी कि कोल्ड फील्ड एक्सप्रेस में चढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं एक और ट्रेन जर्नी। तो चलिए अब सीधा ट्रेन में जाके मिलते हैं। अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ और ये ट्रेन यहाँ से यानी कि हावड़ा से 5:20 में खुलेगा और 8:20 के अराउंड आसनसोल उतारेगा। तो जर्नी में क्या क्या होता है मैं दिखाता हूँ। और एक बात और बता दूँ कि ये ट्रेन हावड़ा से धनबाद के बीच चलता है, पर मैं बीच में ही आसनसोल ही उतर जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है जर्नी में। मैं अब आपको इस ट्रेन में बुकिंग करने का कॉस्ट बता देता हूँ। अगर आप आसनसोल तक जा रहे हैं तो आपको सेकेंड सीटिंग में 110 रुपीज़ लगेगा, और अगर चेयर कार में जा रहे हैं तो 390 रुपीज़ लगेगा। और मैं बता दूँ ये ट्रेन हावड़ा के 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आता है। ये ट्रेन एग्जैक्टली 5:20 में हावड़ा से खुल चुका है, तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है यानी कि मानकर आ गया है। अब इसके बाद पानागर आएगा और उसके बाद दुर्गापुर आएगा, तो चलिए दुर्गापुर जाके मिलते हैं। अगर आप लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वेज कटलेट और समोसा ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका प्राइस 20 रुपीज़ है। ये इस ट्रेन में मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये इस ट्रेन का थर्ड हॉल्ट आ चुका है दुर्गापुर, उसके बाद वारिया आएगा, अंडाल आएगा, तब रानीगंज, उसके बाद आसनसोल। तो चलिए आसनसोल जाके अब मिलते हैं सीधा। तो मैं आसनसोल उतर गया 8:30 में, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन ओवरऑल जर्नी अच्छा था। तो चलिए बाहर जाके मिलते हैं। तो ये मैं स्टेशन के बाहर आ गया, तो चलिए अब सीधा घर जाते हैं और आप लोग से मिलते हैं। मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। तो आज का ट्रेन ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर थोड़ा कुछ भी गलत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थोड़ा नया नया ब्लॉगिंग शुरू किए हैं तो थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है उसको करने में, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट भी करिएगा और थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। तो कल मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।